उन सौ चैनल पे गिर हो गए इतने टाइम से मैं आपके लिए लग रहा हूँ 2015 से 2015 से मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ यहाँ पे। अरे ये आप लोगों का दायित्व बनता है मेजोरिटी दिखाने का। अगर यहाँ पे चुनाव हुए होते, यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से छात्र संघ चुनाव हुए होते तो इनकी मजाल थी ये ऐसा काम करते, इनकी मजाल थी क्या आगे ये FIR करवाने की धमकी देते। अरे ये उन विद्यार्थियों की जो DMC रुकी हुई है उनको काटने का काम करते तो अरे इन्होंने बहुत दबाने का काम किया, बहुत दबाने का। अरे तेरे को निकाल देंगे यहाँ से, तेरे को पेपर में फैल कर देंगे भाई। 2015 से इतने साल हो गए, इनकी बचीड बुला दी मैंने, मैं कदम पीछे नहीं हटा हूँ। वंदे मातरम्।
संघ चुनाव बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। अध्यक्ष रूप से छात्र संघ चुनाव बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। छात्र शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छात्र शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक महीना, एक महीने से इस यूनिवर्सिटी के अंडर में आने वाले हर कॉलेज में जाकर के आए हम। अरे ऐसे ऐसे कॉलेज देखे हैं, इस सरवाड़ गांव है वहां पे जाके आप कॉलेज देखना, 4 या 5 साल हो गए वहां पे उस कॉलेज को जो है उसकी मंजूरी मिले। उस कॉलेज की अभी तक 4 दीवारी होने का काम नहीं हुआ है। एक गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट स्कूल, उस स्कूल के अंदर केवल 5 कमरे उन विद्यार्थियों को दे रखे हैं जहाँ पर वो बैठ के पढ़ाई करते हैं। उन विद्यार्थियों के लिए वहाँ पे टॉयलेट की और पीने के पानी की व्यवस्था तक नहीं है। अरे कितना कितना सहन करेगा ये युवा? क्या आप लोग इस चीज से सहमत है? क्या हम फीस नहीं भरते इस चीज के लिए? अरे इलाके रख देंगे प्रशासन को भाई आगे। ये बता रहे हूँ आपको, ये तो ट्रेलर है। एक बार देख लेना, एक बार मंजूरी ना मिली फिर देख लेना, ये चैलेंज आप फिल्म भी दिखा देंगे। देख लो चौधरी बंसी लाल यूनिवर्सिटी पानी, बहुत बड़े झंडे गाड़ रखे इस यूनिवर्सिटी ने। परसू आया था मैं इस यूनिवर्सिटी में बड़का की डीएमसी दुआन खातर, परसू की बात है, इसमें डीएमसी दुआन आया था बड़का की। अरे 2020 के बैच के वे टॉपर जिनने 2020 में अपनी पीजी कंप्लीट कर ली, यूजी कंप्लीट कर ली, वे उनकी लास्ट तारीख थी 5 तारीख ने सी ग्रुप के फार्म भरने थे, उन पर कहते उनकी डीएमसी को नहीं मिली थी, 2020 में पास आउट हो लिए थे वे। अरे इन्हें क्या करा, इन्हें कमेटी बनाई मेरे ऊपर, इस यूनिवर्सिटी ने कमेटी बनाई, अरे मेरे पर कार्रवाई करना चाहे, अरे इन बड़ का ही डीएमसी दे दो, मैं डरता नहीं, कार्रवाई कर लो। भाई अब एक वो किसी विद्यार्थी जो 2020 में पास आउट हो गया, आप अपने जमीर से बता दीजिएगा ये बात, जो 2020 में पास आउट हो गया, क्या उसको ये हक नहीं कि वो किसी भी सरकारी नौकरी के फार्म भर दे? और ये हक तो लगा लो वो तो है सरकारी नौकरी के भी, और फिर बीच में कितने केवरा कड़ा उसने एडमिशन लेना हो, आप मान लिया उसने प्रोविजनल दे दोगे, प्रोविजनल के पैसे लगते हैं। ये जो सिस्टम है हमें पता आप ठीक करें, लेकिन हम भी ठीक करवाने के लिए आए थे, लेकिन जो वो बाद में जो डिसीजन लिया गया कमेटी बनाने का, और ये अरे उस दिन तो 20 थे, आज बढ़ जाना, इतने बढ़ जावा के चलो, चलो। ये विद्यार्थी वो हैं जिनकी, इन विद्यार्थियों की भी डीएमसी नहीं आई होगी कहीं होगी। सर जायज मांगों के लिए विद्यार्थी आता है, अगर विद्यार्थी पे कोई कार्रवाई होगी, मैं मेरी नहीं कहता, अरे चलो मेरे पे करके भाई लगा दो, मेरे पे के जिनकी डीएमसी दे दो। इन बड़का खातर जड़ा बीड़ना पड़ गया, केस लागने पड़ जो, डंडे खाने पड़ जो, खांगा कितने कमेटी बना लो भाई, एक बना लो 10 कमेटी बना लो, अगर फैसला नाजायज है तो चार बाल भी इकट्ठे होंगे। यूनिवर्सिटी ने कमेटी बनाई भाई, भाई हाथ तो बाल खड़े होकर मांग कर कल ताला भी लावांगे। जो भी छात्रों की समस्याएं हैं डीएमसी को लेके, प्रोविजनल को लेके, डिग्री को लेके, यूनिवर्सिटी प्रशासन पूरी तरह से काम कर रहा है उस पर, और जो बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं, जो आए हैं उनको, अरे रुक जाओ एक बार भाई, सारे शांति तो सुन लो भाई, एक बार सुनिए एक बार सभी, उनकी समस्याओं का समाधान किया गया है, सबको डीएमसी दी गई है, सबने अपने फॉर्म भरे हैं, और जितनी डीएमसी सबकी पेंडिंग थी आज की डेट में हमने कॉलेज में भी डिस्पैच कर दी है, यूटीडी में भी डिस्पैच कर दी है, तो आज की डेट में हमारे पास कोई पेंडेंसी नहीं है। किसी की फिर भी रहती है कोई रीअपियर की या कोई करेक्शन है तो वो आके एप्लीकेशन दे दें, उसका 3 दिन में निवारण कर दिया जाएगा।
पहली बात। दूसरी बात ये है, आप लोगों से पहले भी निवेदन किया गया था, दोबारा निवेदन कर रहा हूँ कि कोई भी समस्या अगर आपकी है, अगर कोई कॉलेज का बच्चा है वो प्रिंसिपल के माध्यम से हमारे पास आए, और अगर डिपार्टमेंट का बच्चा है तो डिपार्टमेंट के HOD के माध्यम से हमारे पास आए। यहाँ पे अव्यवस्था क्रिएट होती है, सिक्रेसी का काम आप ही लोगों का काम है। कल को आपका कोई डॉक्यूमेंट इधर मिसप्लेस हो जाए, कोई डिग्री DMC मिसप्लेस हो जाए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? इसलिए आप लोगों से यही निवेदन है, आप लोगों से यही निवेदन है कि जो व्यवस्था बनाई गई है उसका ध्यान रखिए। आप ही लोग बनाने वाले हैं व्यवस्था, और आप ही लोग उसको इंश्योर करेंगे कि ठीक सा चले। तो हमें कोई किससे कोई, अब बच्चों के लिए बैठे हैं, बच्चों के लिए काम कर रहे हैं सर। इनका काम आगे से अगर समय पे हो जाएगा तो ये बच्चे आपके पास नहीं आएंगे, ये क्लासों में जाएंगे। यही बिल्कुल इनका समय पे आपसे ये गुजारिश है। देखो ये जो सिस्टम खराब हो लिया, आपने ही पता नाश हो लिया यूनिवर्सिटी का, मन्ना बेरा है अरिण बालका ने बेरा नाश हो लिया। लेकिन ईव मैं और ये विद्यार्थी सारे चाहे हैं इस यूनिवर्सिटी ने बढ़िया डाड़ चलाओ, इन बाड़का की DMC जो अरे ये बात है, ये के बात है, ये हम तो वो मांग करने गए थे, अरे कमेटी बना दी, ईव कर लो ना फैसला कर लो, वो यार कहाँ पे हुए ये हो जाएगी समस्या। ये गवर्नर के नाम है और एक मंत्री मंत्री मोदी वाले थे, मंत्री मोदी वाले सिग्नेचर वाली कहा एक और दो दीजिए, एक और। नमस्कार जी, मैं नितिन सैनी, आज 300 छात्र संगठन। काफी लंबे समय से ये मांग चलती आ रही यूनिवर्सिटियों के अंदर और महाविद्यालयों के अंदर कि प्रत्यक्ष रूप से जो है छात्र संघ चुनाव बहाल करवाए जाए, क्योंकि यूनिवर्सिटियां और महाविद्यालय जो है वो एक तरह से गलतियों का अड्डा बढ़ गए। यहाँ पर इतनी बच्चों को DMC नहीं मिलती, समय पर रिजल्ट नहीं आता, इन यूनिवर्सिटियों का भट्ठा बैठ रखा है। तो आज के समय में जरूरत आन पड़ी है एक बार फिर से छात्र संघ चुनाव बहाल करवाए जाए, ताकि इन यूनिवर्सिटी और महाविद्यालय को एक मजबूत उनका नेता मिले, वो नेता जो इनके काम करवाने का काम करेगा। हम जैसे छात्र नेताओं को तो ये ट्रका देते हैं बार, क्योंकि हम चुने हुए नहीं है। लेकिन अगर चुना हुआ नेता होगा, अगर छात्र संघ चुनाव बहाल होते हैं तो इनके पास में, इन कॉलेजों में, इन यूनिवर्सिटी में एक मजबूत नेतृत्व जो है वो सामने आएगा, और वो मजबूत नेता अपने इन विद्यार्थियों की मांग मनवाने का काम करेगा। तो हम सब विद्यार्थी, 300 छात्र संगठन से जुड़े हुए सभी विद्यार्थी, और ये केवल और केवल आज वही विद्यार्थी नहीं आए जो इस यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट कॉलेज से हैं, यहाँ पर लोहारू, तोसाम, बहल और जो है बुआणी खेड़ा के बार बार के विद्यार्थी आए हैं, यहाँ पर बहुत दूर दूर से विद्यार्थी आए हैं केवल और केवल छात्र संघ चुनाव बहाल करवाने के लिए। सीधारे भी है तो इसको करना किसको, छात्र संघ बहाल सरकार को ही करना होगा। जी बिल्कुल, सरकार को ही छात्र संघ चुनाव बहाल करने, और हमारी सरकार जो है, हमारे जो डिप्टी CM जो हैं बड़े भाई दुष्यंत चौटाला जी, वो भी निरंतर इस प्रयास में है, और हम विद्यार्थियों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि भी इस आवाज़ को मजबूत किया जाए। हम भी इसमें निरंतर लगे हुए हैं ताकि जो है वो बात उन तक पहुँचाने में हम सक्षम हों, मजबूती के साथ पहुँचाएं। तो दिग्विजय चौटाला का क्या रूप है इन सब के जो इसमें? जी, दिग्विजय चौटाला जी ने पहले भी कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में की हैं, कई बार मीटिंगें भी हुई हैं। दिग्विजय चौटाला जी का तो बहुत ही पूर्ण तरीके से उनने बता दिया है, स्पष्ट तरीके से बताया कि छात्र संघ चुनाव बहाल होने चाहिए और हिंसों के साथियों लग जाओ मौका है। तो इसमें आज क्या मांग रखी गई है? आज हमारी मांगे सर, एक तो सबसे मुख्य मांग तो यही थी कि प्रत्यक्ष रूप से छात्र संघ चुनाव बहाल करवाए।
लेकिन प्रत्यक्ष रूप से छात्र संघ चुनाव बहाल करवाने के साथ साथ में जो अभी दो दिन पहले इन्होंने यूनिवर्सिटी ने बच्चे इकट्ठा होकर के आए थे और उनके साथ में मैं गया था और मेरे ऊपर भी पता नहीं क्या क्या ब्लेम लगा दिए इन्होंने भी यहाँ पे स्टाफ के साथ बदतमीजी की है, ये है वो है। ये केवल और केवल विद्यार्थियों दामने की बात करते हैं, ये विद्यार्थियों के पक्ष में नहीं है ये यूनिवर्सिटी। अभी छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं करवा तो स्पष्ट रूप से इनसो का बिल्कुल स्पष्ट रूप से है, हम सभी विद्यार्थियों का एक स्पष्ट रूप है कि भी अगर छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं करवाते तो पूरे हरियाणा के अंदर आज तो ये ट्रेलर मात्र है, आने वाले समय में पूरे हरियाणा के अंदर आप देखना बड़े स्तर पर आंदोलन होगा और भूख हड़ताल भी करनी पड़ेगी तो करेंगे। मैं सौरव अग्रवाल, छात्र नेता चौधरी बंसला यूनिवर्सिटी भिवानी से। क्या नाम है? सौरव अग्रवाल। आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, अलग अलग कॉलेज से आए हैं, लोहारू से, बैल से, तोसाम से, और छात्राओं ने भी अहम भूमिका निभाई है इस चीज़ के लिए। आज हमारा मेन जो मुख्य फोकस था वो प्रत्यक्ष चुनाव करवाने के लिए था और इस चीज़ में सभी छात्रों ने अपना पूरा पूरा संपूर्ण योगदान दिया है और आशा करते हैं कि यूनिवर्सिटी प्रशासन से लेकर पूरा आगे जितने भी राजनीतिक कार्यकर्ता हैं वो सभी इस चीज़ को मानते हुए हमारे छात्र चुनाव को बहाल कराने का प्रयत्न करेंगे। रोहित दोषी, आज हमारी मांग थी छात्र संघ चुनाव को बहाल करवाने की। अगर आगे भी ये चुनाव अगर बहाल नहीं किए जाते हैं तो हम यहाँ पे पूरे हरियाणा पे बड़े स्तर पर प्रदर्शन करने का कार्य करेंगे और जो ये CBLU प्रशासन बच्चों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं इसके ऊपर हम आज भी रोक लगा रहे हैं और आगे भी रोक लगाते रहेंगे।